आवाज तो जरूर आया था यार। अच्छा अच्छा हो गया, यहाँ से हवा निकल रही है। देखो, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं एक रिव्यू का वीडियो बना रहा हूँ, जो कि चावल बनाने के लिए मैंने एक डब्बा मंगाया है, जो बॉक्स है, जिसके लिए आप चावल भी बना सकते हो, मोमोज भी बना सकते हो, आप कुछ भी जो है आप बना सकते हो इस चीज़ से। तो ये मैं जब इंडोनेशिया में था तब मैंने देखा हुआ था यार वहाँ पर, तो चावल जो है मैं बनाने के लिए यूज़ करता था। प्लस क्या होता था कि जैसे कि मैं अकेला हूँ, कहीं काम पे चला गया तो चावल जो है सुबह सुबह बना दिया और मुझे क्वांटिटी का पता नहीं लगता था। ऐसे कई सारे बहुत सारे लोग हैं जिसको जो है क्वांटिटी का नहीं पता लगता है। मोस्टली जो है बैचलर्स रहते, सिंगल रहते, या कहीं आप मतलब आपके पास टाइम नहीं होता है, जॉब से आते हैं इस तरीके से, तो यार चावल तो हर कोई खाता ही है, तो बार बार गर्म करना पड़ता है, तो अच्छा नहीं होता वो फिर। तो इसीलिए जो है मैंने इस चीज़ को जो है मैंने मंगाया है कि अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसको हम खोलते तो इसके अंदर जो है मैनुअल दे रखा है, जैसे कि आपको पता है इसमें बहुत सारे जो है आप चावल के साथ साथ बहुत कुछ आप बना सकते हो, पुलाव बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो यार इसमें, मोमोज बना सकते हो आप स्टीम करके, तो काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो आप अगर बनाना चाहें तो। तो यहाँ पे इस तरीके के जो है कलर ऑप्शंस में भी आपको मिल जाते हैं ये सारे। तो 1.2 है अपना, तो जो ये वाला 1.8 लीटर का है, ये मैनुअल जो है भी पढ़ना वढ़ना है नहीं। हाँ, सेम ऐसे ही था इंडोनेशिया में जब मैं था ना, 3.5 महीने वहाँ पे जब काम कर रहा था, तो ऐसे ही सेम टू सेम था। ये स्टिकर जो है हमने हटा दिया, ये यहाँ पे लगना चाहिए था स्टिकर, वैसे यहाँ लगा देते हैं तमीज से। चलो लगा दिया भाई। इसके मतलब है कुक, और येलो के मतलब है वार्म, ठीक है। और ये खुलेगा कैसे ये पता नहीं। अच्छा, ऐसे खुलेगा, ठीक है, इस तरीके से ये खुलेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और ये इसके साथ में जो है वायरिंग वगैरह दे रखे हैं इन्होंने, और ये आप जो है ये ढकने के लिए, ये शायद मोमोस वगैरह जो है बनाते तो स्टीम में उसके लिए यूज़ होगा, चावल के लिए तो ये यूज़ होगा नहीं। और इसके अंदर एक सिल्वर का वो मिलता है, देखो बस ये प्लेट जो है ये वाला गर्म होता है, ये वाला जो प्लेट है ये गर्म होगा, तो ये इसकी वजह से जो है जितना जो है ये इसी का ही रहेगा पूरा। तो इसको जो है हमें जो है इसके अंदर रखना पड़ेगा, तो भाई वर्थ इट लग रहा है मुझे तो। और इसको भी आप रखना चाहें तो आप रख सकते हो, वैसे तो मैं तो नहीं रखता था यार पहले। खैर ये क्यों दिया है, ये शायद ऐसे रख के आप कर सकते हो। हाँ ये रख के जो है आप ऐसे इसके ऊपर भी डाल सकते हो, तो इसीलिए वो दिया होगा। तो इस तरीके से बताना कैसा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये जो है आपको कैसा लगा। A few moments later. जो है सब इसको वॉश करके जो है मैंने अब रख दिया है इसको अच्छे से। ये जो दो चीज़ें है इसको साइड में रख रखा है मैंने, कुछ करूँगा नहीं। उसके बाद चावल को जो है हम लोग 3 बार धोएंगे, उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे। मतलब रेडी हो रहा है, कितनी बार धो दिया, 3, दो, 3 बार ये धो चुके हैं। अब जो है इसको जो है इसके अंदर डालना है। उद्घाटन हो रहा भाई रेड राइस से, चावल अपना, ये चावल डाल दिया। अच्छा लग रहा है ना, चावल यार रंग बिरंगी है ना सारी। भाई इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चावल, मतलब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला जाता है क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है, तो जैसे डबल डालते हैं लोग, इसमें 3.5 गुना ज़्यादा डालना है। मतलब अगर 1 कप है चावल तो 3.5 कप जो है पानी डलेगा ऐसे। हो गया 3.5 कप हो गया भाई। हाँ अब इसको जो है हम क्लोज कर देंगे। इसमें नमक वमक जो भी आपको डालना है वो सब जो है आप डाल सकते हो टेस्ट के अनुसार।
हम डाल देते हैं बाबा रामदेव की नमक टेस्ट के अनुसार। अब इसको हम कर देंगे क्लोज, दबा दिया भाई। अब इसको जो है ऑन कर दिया मैंने। अब ऑन करने के बाद मैंने हीट पे लगा दिया है, कुक पे लगा दिया मैंने, ठीक है। अब ये कुक होके अपने आप जो है बंद हो जाएगी। अब वेट करते हैं हम लोग, कितना टाइम लेता है ये भी आपको मैं बता दूंगा रिकॉर्ड करके उसके बाद में। अभी रिकॉर्ड बंद कर दूंगा। आवाज़ तो ज़रूर आया था यार। अच्छा अच्छा हो गया हो गया हो गया। यहाँ से हवा निकल रही है, देखो इस तरीके से हवा निकलती है यहाँ से। अभी अभी जस्ट आवाज़ आया, मतलब 27:02, मतलब इसके 25 मिनट लग गए भाई, करेक्ट 25 मिनट लगे हैं। 25 मिनट के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। 7:02 पे मैंने शुरू करा था, कहाँ गया मेरी घड़ी, 7:02 पे। अभी 7:27 हो रहे, 25 मिनट लग गए। अभी इसके अकॉर्डिंग जो है, अभी वार्म का बटन ऑटोमेटिकली जो है ऑन हो चुका है यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग जो है, जहाँ पे मैंने किताब वगैरह पढ़ी उसके अकॉर्डिंग, अब 10 से 15 मिनट वेट करके उसके बाद आपको ओपन करनी है इसको। अभी ओपन नहीं करनी है, इनका कहना यही है। तो 10-15 मिनट और वेट कर लेते हैं, या उससे ज़्यादा भी हम लोग थोड़ा 2 मिनट और ज़्यादा भी वेट कर लेंगे, क्योंकि जो रेड वाला जो चावल है ना उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। देख रहा हूँ यार, छूने से जो है गर्म है क्या? बहुत ज़्यादा गर्म है ये। हाँ बहुत ज़्यादा गर्म है, यहाँ भी गर्म है यार। ओ भाई ये तो गर्म है भाई बहुत। वैसे इतना गर्म तो नहीं होना चाहिए यार। यार मुझसे ना रुका नहीं जा रहा, तो अभी ना मैं देख ही लेता हूँ थोड़ा सा ना, खोल के ऐसे देख लेता हूँ। ओ भाई बन गया, देखो रेड चावल ऐसे ही होता है। अब फिर भी मैं 10 मिनट बाद फिर देखता हूँ फिर दोबारा। और इसको ऑन ही रख सकते हो आप, उसको ऑन ही रखना है इसको भी। और ये जो है ऑटोमेटिक जो है वार्म जो है, आप ऑटोमेटिकली ये ले लेगा जैसे चावल आपका बन जाता है, तो वार्म तो रहेगा यार, आराम से रहेगा, पूरी रात भर रहेगा और दिन भर रहेगा। अगले 24 घंटे के लिए जो है अगर वार्म ऑन रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बिल्कुल गर्म गर्म चावल आप खा सकते हो। आपको वीडियो कैसे लगे ये ज़रूर बताना, और अगर आपने लिया है ये, अगर नहीं लिया है तो मैं तो अपने तरफ से तो ओके बोल रहा हूँ। ये वाला सामान जो है अच्छा है, आप ले सकते हो। प्रेस्टीज का है ये, 1.8 लीटर का है, अमेजोन से मैंने लिया था। तो वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।